दिल्ली पुलिस की हिरासत में मौजूद इस्लामिक स्टेट के आतंकी शाहनवाज आलम ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की पूछताछ में आतंकी शाहनवाज ने बताया है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS गुजरात में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। गुजरात को बम धमाकों से दहलाने का प्लान बनाया गया था। आतंकी ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में बताया कि गुजरात के कई शहर ISIS के निशाने पर थे। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के साथ सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा से छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को सोमवार को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भूया की पीठ ने सजा में छूट को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य करार देते हुए कहा कि गुजरात सरकार सजा में छूट का आदेश देने के लिए उचित सरकार नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में सीटों के बंटवारे पर सभी फैसले सूर्य के उत्तरायण में आते ही हो जाएंगे। सपा प्रमुख शनिवार को जिले के बिसुकिया गांव में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख तय की है। भारत में मालदीव के राजदूत को सोमवार को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और मालदीव के कई मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई टिप्पणियों पर कड़ी चिंता व्यक्त की गई। सूत्रों ने यह जानकारी दी। मालदीव सरकार ने मोदी के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर रविवार को 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया। बांग्लादेश की सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग एल पार्टी ने देश के आम चुनावों में 70% से अधिक संसदीय सीटें हासिल कर स्पष्ट बहुमत हासिल कर ली है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार चौथी बार देश की सत्ता हासिल कर ली है। चुनाव आयोग ईसी के अधिकारियों ने रविवार देर रात शुरू में लगभग 290 सीटों के परिणाम घोषित किए हैं, जिसमें सुश्री हसीना की पार्टी ने बहुमत हासिल कर ली। भाजपा के सुकांत मजूमदार और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे सहित 5 लोकसभा सदस्यों को इस साल संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भाजपा के सुधीर गुप्ता, राकांपा के अमोल रामसिंह कोल्हे और कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा अन्य 3 सांसद हैं, जिन्हें 17 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में एक समारोह में पुरस्कार प्रदान करने के लिए चुना गया है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर तरफ लोगों में उत्साह है। इसी को लेकर आगामी 12 से 22 जनवरी तक बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे देश में दीप जलाने का कार्यक्रम चलाएगा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए वह खुद दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह और जामा मस्जिद इलाके में जाकर दीपक जलाने से संबंधित सामग्री लोगों के बीच बांटेंगे और लोगों को इस बारे में जागरूक करेंगे। ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री और चीनी कंपनियों और व्यक्तियों पर अमरीकी प्रतिबंधों के जवाब में चीन ने रविवार को 5 अमरीकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने ऑनलाइन पोस्ट में कहा है कि प्रतिबंध के बाद चीन में कंपनियों से संबंधित संपत्ति को फ्रीज कर दिया जाएगा और संगठनों और व्यक्तियों को उनके साथ व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। BCCI ने रविवार को अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया। नियमित कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की 14 महीने बाद सबसे छोटे फॉर्मेट में वापसी हुई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।